का न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई। कमलनाथ, दिग्विजय समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस नेताओं की मीटिंग होगी। राहुल गांधी और खड़गे नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। बता दें कि बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो कमलनाथ, दिग्विजय समेत वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मिली करारी हार पर मंथन दरअसल होगा, ये मीटिंग होगी उसी को लेकर। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि इसमें खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं, राहुल गांधी भी साथ में ही मौजूद रहेंगे। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। समीक्षा की जाएगी आखिरकार क्या वजह रही मध्य प्रदेश में हार की। बता दें कि महज 66 सीटें ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिली हैं और एक करारी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हुई, जिसको लेकर आज मंथन होना है, जिसको लेकर बैठक होनी है। कमलनाथ, दिग्विजय समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 3 बजे से कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल यह बैठक बुलाई है। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज 3 बजे बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, बड़ी बैठक मानकर चलें, चूंकि इसमें मध्य प्रदेश में मिली करारी हार पर मंथन होगा। देखिए, बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है कांग्रेस की, और इसलिए जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है और उसको लेकर ये बैठक की जानी है। माना जा रहा है कि आज इस बैठक के बाद जो कमलनाथ है उनके इस्तीफे को लेकर भी कोई खबर जो है सामने आ सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चल रहा है कि कमलनाथ हो सकता है कि अपना इस्तीफा दे दें, और आज की इस बैठक के बाद ये खबर सामने आ सकती है। फिलहाल जो 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद इस चीज को लेकर मंथन किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति रखनी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके के नतीजे विधानसभा चुनाव में आए हैं उसको लेकर अब रणनीति इस पर बनाई जाएगी कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी जाए और क्या रणनीति रहे कि आगे चलकर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। बिल्कुल गौरव, कल तक तो ये खबर चर्चाओं में थी कि नेता प्रतिपक्ष जो कि अभी कमलनाथ हैं उनसे वो पद ले लिया जाएगा और इस पर मंथन हो रहा है, कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बातों का भी अब खंडन हो गया। क्या इस बैठक में इस बात का भी जिक्र होगा? देखिए, कमलनाथ जो है इस वक्त मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ है और जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिम्मेदारी इस वक्त बन रही है। ऐसे में इस बात को लेकर लगातार अटकलें थी कि हो सकता है कि अब कमलनाथ जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ दे और एक नया जो कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष हमें देखने को मिले। हालांकि अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन लगातार ये अटकलें हैं कि हार को देखते हुए कमलनाथ अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा इसको लेकर अभी मंथन जारी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा हमने गोविंद सिंह जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो चुनाव हार गए हैं। अब हो सकता है कि अगला नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नाम पर मुहर लग जाए या दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको लेकर। पीसीसी चीफ कमलनाथ बने रहेंगे या फिर कोई और होता है, और नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, फिलहाल तो हम नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर आज।